Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अनअकैडमिक ग्रुप. सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो कि आपके देश के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आपकी जीके काफ़ी इंप्रूव हो रही होगी और उम्मीद है कि आपके करंट अफेयर्स तो ज़बरदस्त हो रही होगी. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे. और आजकल नॉर्थ इंडिया के अंदर ठंड भी कम हो चुकी है, तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने की आदत डाल लो, 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ा करो. उसके बाद में आपका पास काफ़ी दिन बचता है, तो आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो. ठीक है, आने वाले 6 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हिट करिए, अच्छे तरीके से फोकस होके एक पेपर के ऊपर प्रिपरेशन करें और एक होने के बाद फिर दूसरे में लग जाए. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जो कि मैंने कल आपको दिया था. ठीक है, चलिए, पहला सवाल है आपका, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है. समावेशी इंटरनेट सूचकांक आंसर क्या होगा, 47 आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा. ठीक है, तो 47 भारत की रैंक है. काफी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया है, तो 47 वह स्थान है जो कि दिया गया है. और जबकि स्वीडन जो है वो सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, देन अमेरिका. प्रधानमंत्री जीवन योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है. तो पिछले 1-2 सालों के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आने लग गए करंट अफेयर के, जिसके अंदर बजट भी पूछा जाने लगा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बनाए जाते हैं ताकि छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, कि कोई बच्चा जो है वो अटेम्प्ट ना कर पाए, पूरे में से पूरे नहीं ले पाए. इसीलिए कई सारी योजनाओं का हमें जो है वो बजट भी पता होना चाहिए. तो प्रधानमंत्री जीवन योजना की बात करें तो टोटल आउटले जो है इसका 1969.5 करोड़ जो है, नियर बाय 2000 करोड़. 2000 करोड़ याद कर लो, ऑप्शन जो है वो बहुत ऊपर नीचे आते हैं, तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो. ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपको मालूम है, गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि स्टार्ट करी थी 2015 के अंदर. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, अरुण जेटली जी ने 2015 में इसके बारे में बताया था. पीएम मोदी ने कोलकाता के अंदर इसको लॉन्च करी थी. ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा. इसके अंदर क्या था कि 330 रुपये पर एनम जो है आपको जमा कराना है और 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस है जो कि आपको मिलता है. आयुष मंत्री किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास करेंगे. यूनानी चिकित्सा, तो यूनानी चिकित्सा कहां पे बनाया जा रहा है, गाजियाबाद के अंदर इसकी शुरुआत करी जा रही है. ठीक है, तो श्रीपद यशो नायक जो है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा यूनानी का गाजियाबाद के अंदर, और इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है यूनानी मेडिसिन का. ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, और बेंगलुरु के अंदर गाजियाबाद जो है, जहां पे इसको बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर एक्सटेंशन है जो कि इसको किया गया था. और इसके अलावा जो है अभी यहां पे बनाया जा रहा है, 300 करोड़ रुपए का टोटल बजट है जिसको लेकर यहां पे काम हो रहा है. अगला सवाल, हाल ही में AIIB और इंडिया ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर करे. 445 मिलियन डॉलर, ठीक है,
तो ये किसने करे हैं दोस्तों? AIIIB ने. AIIIB कौन सा है? एशिया इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ना. आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसके साथ में किया गया है. ठीक है, और एशिया के डेवलपमेंट को लेकर AIIIB काम करता है. काफी बड़ा बैंक है, जैसे कि आपने ADB के बारे में सुना होगा, वैसे ही एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है. AIIIB का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये भी पेपर में पूछते हैं, जो कि कहां पर है? बीजिंग के अंदर है. एक्चुअली बीजिंग का इनिशिएटिव था, चाइना का इनिशिएटिव था ये वाला बैंक. काफी बड़ा बजट है इसके अंदर, 70 कंट्रीज जो कि इसके मेंबर है नियर बाय, और एशिया और जो ओशियानिया वाला जो रीजन है उसके अंदर ही काम करता है ना. फॉर्मेशन भी ज्यादा पुराना नहीं है, 2016 के टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है. ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं. और यहाँ पे एक बात और है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना वो कौन है? जिन लिकिन, जिनसे आप याद कर सकते हो, जिन लिकिन है जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है. बीपी है जो कि अपने जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन है. उनका नाम है DJ पांडियन, जो कि एक IAS ऑफिसर है और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ के VP कौन है? पांडियन जी. तो ये भी ध्यान रखिएगा. अगला सवाल देखते हैं. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में विकलांगता खेल केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? विकलांगता खेल केंद्र कहां पे बनाया जा रहा है ये आपको बताना है. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्वालियर में जो है विकलांगता केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है. 5 साल की अवधि में इस केंद्र का निर्माण 170 करोड़ रुपए में किया जाएगा. तो आपका आंसर क्या है? ग्वालियर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर स्टार्स योजना शुरू करी है? स्टार्स योजना कब होता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, जिस दिन क्या हुआ था? रमन इफेक्ट था ना, उसके बारे में पता किया गया था. तो उसी दिन जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है देश में. और आपको मालूम है 1930 के अंदर जो है इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, सीवी रमन को. ये यहाँ पे स्टार्स की बात करें तो HRD मिनिस्टर जी जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है. ओके, प्रकाश जावेदकर जी ने इसके जो स्टार्स की फुल फॉर्म है, स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, ताकि साइंस के अंदर एडवांस रिसर्च कर सके, इसको लेकर इसको लॉन्च किया गया. 250 करोड़ रुपए जो कि इस स्कीम के तहत अलोकेट करे गए हैं. निम्नलिखित में से किसने डिजिटल साक्षरता और रचनात्मकता कौशल को बढ़ाने के लिए अडोबे पार्टनर के साथ में हस्ताक्षर करे हैं? तो अडोबे कंपनी के साथ में दोस्तों नीति आयोग ने ये पार्टनरशिप करी है, ताकि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा मिल सके. नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री होते हैं. वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार. CEO कौन है? अमिताभ कांत. और डायरेक्टर कौन है? दिनेश अरोरा. प्लानिंग कमीशन की जगह इसको स्टार्ट किया गया था. और अटल जो थिंकरिंग लैब्स है वो इसने क्या करी है? अडॉप्ट करी है अडोबे कंपनी ने. ठीक है, और ताकि उनको डेवलप कर सके. ओके, तो नीति आयोग का एक मिशन था अटल इनोवेशन मिशन, तो इसको लेकर ही साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? इंडियन साइन लैंग्वेज का दूसरा एडिशन. अब देखिए, साइन लैंग्वेज की बात करें तो ये ऐसे जो पैरामीटर्स है जो कि हमेशा सोशल जो चीजें है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए की जाती है. तो ऐसे जो हमेशा जो भी अपने कॉन्फ्रेंसेस हुए या फिर कोई भी स्कीम्स आए वो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ही लॉन्च करी जाती है. तो एक आइडिया लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना, ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है ये. अगला सवाल है, प्रणाम. किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग शुरू किया? तो प्रणाम काफी फेमस है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है, इसलिए अपन उसको कई बार पढ़ भी चुके हैं. आसाम इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल CM और जगदीश मुखी गवर्नर. ओके, आसाम के अंदर लॉन्च किया गया है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप अच्छे तरीके से उनकी ध्यान नहीं रख सकते हो तो, है ना. पेरेंट्स, एल्डरली पेरेंट्स और जो आपके डिसेबल सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, उनका ध्यान रखना जरूरी है. अगला सवाल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ब्रिटेन को डियागो गार्सिया को मॉरिशस को लौटाने की सलाह दी है. डियागो गार्सिया कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल. एक्चुअली क्या है, ब्रिटेन ने इसके ऊपर कब्जा करके US को जो है ना वो यहाँ पे बेस बनाने के लिए दे रखा था इसको. मॉरिशस ने केस जीत लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड के अंदर. नीदरलैंड बोल लो या हॉलैंड बोल लो, दोनों एक ही बात है. भारतीय जज भी है यहाँ पे, 15 में से एक भारतीय जज है. कौन है? दलवीर भंडारी. ठीक है, ये हमारे भी जज है और अपने जो भी दो देशों के बीच में जो मुद्दे होते हैं वो ICJ में सुलझाए जाते हैं. और ये यहाँ पे डियागो की बात करें तो ये इंडियन ओशन के अंदर ही है दोस्तों, क्योंकि मॉरिशस भी तो इंडियन ओशन में ही है, तो उसी के पास में आप देख सकते हैं. ये देखिए,
ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स है, ये सेशल्स है और ये मॉरिशस है और ये बीच में देखिए डियागो है। तो ये वाला जो एरिया है वो एक्चुअली मॉरिशस का ही है जो कि बताया गया है, ठीक है ना। किसी टाइम पे यूएस ने अभी तक इसको कब्जा कर रखा था, इसको अपनी कॉलोनी बना रखी थी, जैसे किसी टाइम पे भारत को बना रखी थी ना वैसे बना रखी थी। 60 छोटे छोटे आइलैंड है जिसका मिला के जो ये छागोस आर्चिपेलागो जो कि बनाया गया है ना। और ठीक है, फ्रांस कंपनी 1790 में सेटल हुई, उसके बाद में ब्रिटिश जो है उन्होंने इसको कब्जे में ले लिया था। नवीनतम आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में 10 बल्लेबाजों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? T20 की रैंकिंग आई है, टॉप 10 बैट्समैन की बात करें तो KL राहुल है जो कि एकमात्र अपने भारतीय बैट्समैन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन द डे आज का, हाल ही में किस कंपनी को विश्व की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने है और आपको बताना है कि कौन सी इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन जिसके अंदर अपन ने कवर अप करे कई सारे महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज है जो कि मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, उनको भी देखते रहा करो, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहेगी। जैसे कि मैंने परसों जनेवा कन्वेंशन पे बनाया था तो उसको देख लेना, और उससे पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड पे बनाया था, सियाचिन के ऊपर बनाया अभी लास्ट वाले टाइम पे। तो ये ऐसे वीडियोज है जो कि आपके नॉलेज को बहुत काम में देंगे और आने वाले पीढ़ी को भी आप बहुत कुछ सिखा सकोगे, ओके। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप अच्छी कोई भी एग्जाम की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो RRB JEE का जो कोर्स है दोस्तों Unacademy प्लेटफॉर्म पे भी स्टार्ट किया जा रहा है वाईफाई स्टडी के द्वारा। तो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 मार्च से, जिसके अंदर पूरा नॉन टेक आपको कराया जाएगा और मात्र एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है जो कि बहुत ही कम कॉस्ट का है, कोई 700-800 रुपीस का होगा, जिसमें पूरा नॉन टेक जो है आपको कोर्स है वो पूरा का पूरा कराया जाएगा। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और एक महीने के अंदर ही आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन करके आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से RRB JEE कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। और अगर आप वाईफाई स्टडी कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 10% ऑफ भी मिलेगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।